हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय लाइफ। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में आप सभी को वेलकम हो रहा है। और अभी मैं उठ गई हूँ, बाहर वाले रूम में मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, अंदर का भी बाकी है। दिखाती हूँ मैं आप सभी को घर का, बच्चों ने क्या हाल बनाया है घर का भी। इधर साफ सफाई बाकी है, इधर भी बस मैंने ये वाला रूम साफ किया है, ये वाला मैंने कर लिया है, अब इधर सब बाकी है। ये सारे कपड़े मैंने धुल के देखे, बेड पे ऐसे ही रखा हुआ, इसे फोल्ड लगाना है। इधर झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगा है, किचन का भी बहुत बुरा हाल है, अभी कुछ भी सफाई नहीं हुई है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने छोले भिगोए थे तो मैंने चढ़ा दिया था उबलने के लिए। यहाँ चाय बना है, धूप भी काफ़ी तेज़ आ गई है, इधर सब खलारा मचा हुआ है। तो ये सब अभी साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है, ये बेड भी साफ़ करना है। इधर बच्चे लोग सो रहे हैं, अभी लाइट ऑफ है, लाइट ऑन करूँगी उठ जाएंगे और रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो अभी दोनों सो रहे हैं, आज संडे मना रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ, मैंने सोचा कि कुछ मीठा से शुरू किया जाए, भाई अच्छा दिन है। और हमारे यहाँ सभी लोग हमारे यहाँ ना, मुझे लगता है बहुत सारे घरों में जब कुछ होता है सो चीज़, जैसे एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, या कुछ भी नया अच्छा होता है तो खीर ज़रूर बनता है, हम लोग सब मानते हैं। तो मैं अभी वही छोले बनाऊंगी, कचौड़ी बनाऊंगी और मीठे में मैं खीर बनाऊंगी, पतिदेव को दूंगी। और देखते हैं दोपहर का, दोपहर में देखेंगे कि दोपहर में क्या करना है, अभी फ़िलहाल में मैं यही बनाती हूँ। आज है स्पेशल डे, तो आज ही पतिदेव का हैप्पी वाला बर्थडे, तो बस उन्हें कुछ याद तो है नहीं और ना रहता है, गए हैं अभी दूध लेने के लिए, कहीं आ ना जाए, मैं देख लूँ एक बार। हाँ अभी आए तो नहीं है, दूध लेने गए हैं, तो दूध लेके आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा पहले मैं सुबह सुबह उन्हें विश कर दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, सुबह सुबह विश करने की जल्दी नहीं है, कुछ अच्छा करते हैं, यूनिक सा है ना। तो मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं करूँगी वरना उन्हें डाउट हो जाएगा, वैसे भी आज संडे घर पे है। तो मैंने उनसे बोला है मुझे कुछ सामान लेना है, मैं मार्केट जाऊँगी आज दोपहर को, बेटू को लेके और आप परी को लेके रहिएगा घर पे। तो बोलेंगे ठीक है, अपना काम ख़त्म कर लो फिर जल्दी चले जाना। तो मैं सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँगी, वहाँ से केक ले आऊँगी और देखती हूँ और क्या क्या मैं कर पाती हूँ, ले पाती हूँ, क्योंकि घर में ही है। अगर ऑफिस रहते तो मैं दोपहर में सारा प्रिपरेशन कर लेती हूँ उनको बिना बताए, और उन्हें पता भी नहीं चलता, तो सच में एक सरप्राइज़ हो जाता। पर वो है तो घर में ही, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उनको जितना ना पता चले उतना ना चले। तो देखती हूँ मैं मार्केट जाती हूँ क्या क्या उनके लिए लेके आती हूँ, तो वो ब्लॉग भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल में आप सभी बताइएगा हमारा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग कैसा लगा आपको, और आप सभी ढेर सारी विशेष दीजिएगा हमारे हस्बैंड को, हमारे पतिदेव जी को, और बर्थडे की खूब सारी बधाइयाँ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।